भारत के नए कृषि कानूनों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है और अब रिहाना, मिया खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग के समर्थन के बाद कई बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स भारत के इस किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि ये मुद्दा इतना बड़ा बनने के बाद भी भारतीय सरकार के खिलाफ विदेशी सरकारों ने कुछ भी नहीं बोला है और ना कभी बोलेंगे, क्योंकि ऐसे ही कृषि कानून उन्होंने अपने देश में कई साल पहले लागू कर दिए थे। साथ में जो आज की डेट में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं या फिर इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे रहे हैं, वो खुद इन तीनों कृषि कानूनों पर बात ना करके एक इमोशनल किसान कार्ड खेलकर चीप पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अपने आप को एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट बताने वाली स्वीडन से 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग को ही ले लो। नए कृषि कानूनों को पूरी तरह निरस्त करने के साथ धरने पर बैठे किसान संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में किसानों को पराली जलाने की खुली छूट दी जाए। अब ये किसी से भी नहीं छुपा है कि पराली जलाने पर सख्त कानून होने के बावजूद हर साल दिल्ली कुछ महीनों के लिए गैस चैम्बर बन जाती है और वहाँ पर एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन ये चीज चाइल्ड एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को नहीं दिखाई देती। वहीं अपने ट्वीट के साथ टूलकिट अपलोड करने के बाद तो ग्रेटा थनबर्ग की विश्वसनीयता को पूरी दुनिया में धक्का लगा है, जिसके बाद अब रशिया भारत के बचाव में आ गया है और उसने ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों को आड़े हाथों लिया। दरअसल रशिया के मुखपत्र रशिया टुडे के वाले से एक आर्टिकल सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन पर भारतीय सरकार का समर्थन करते हुए ग्रेटा थनबर्ग जैसे फेक एक्टिविस्ट को एक्सपोज किया है। रशिया टुडे के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग का एक्टिविज्म किराए का है और क्लाइमेट चेंज को छोड़कर सिख अलगाववाद का समर्थन करने से उनकी क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो गई है और असली चेहरा सामने आ गया है। रशिया टुडे के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग ऐसे प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही हैं जिसका लिंक पंजाब की आजादी का कैंपेन चलाने वाले लोगों के साथ है, इसलिए अब ग्रेटा थनबर्ग को सीरियसली प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग जो क्लाइमेट चेंज की ग्लोबल टीनेज आइकन है, उनका प्रभाव अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उनको पहले की तरह स्पॉटलाइट नहीं मिल रही थी, इसीलिए ग्रेटा थनबर्ग दोबारा से स्पॉटलाइट पाने के लिए ऐसे मुद्दे में कूदी है जो पूरी तरह भारत का डोमेस्टिक यानी कि घरेलू मामला है। रशिया टुडे के मुताबिक फार्मर प्रोटेस्ट को जितना इंटरनेशनल बिजी बॉडीज का समर्थन मिलेगा उतना ही ये आंदोलन बर्बाद होते जाएगा। रशिया टुडे ने आगे ग्रेटा के ट्वीट के साथ अटैच टूलकिट के बारे में लिखते हुए कहा कि उस टूलकिट के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि इन सब के पीछे कौन है और क्यों रिहाना और ग्रेटा जैसे लोग इस समय किसान आंदोलन के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। रशिया टुडे के मुताबिक जो ग्रेटा थनबर्ग के आगे पीछे वाले समझदार लोग हैं, जिन्होंने उसके आगे पीछे घूमकर बड़ी स्पॉटलाइट खा ली है, उनको अब ग्रेटा को बाजू से पकड़कर समझाना चाहिए और गाइड करना चाहिए, वरना ग्रेटा थनबर्ग का भविष्य आइस फ्लो पर बैठे पोलर बियर से भी खराब हो जाएगा। इसीलिए ग्रेटा थनबर्ग की दुकान क्लाइमेट चेंज से ही चल जाएगी, न कि इंडियन नेशनलिज्म या फिर भारतीय राष्ट्रवाद से। वैसे अभी कुछ किसान संगठनों का आंदोलन बड़े बवाल पैदा कर रहा है और अब महाराष्ट्र सरकार ने भारत को एकजुट होकर खड़ा रखने के समर्थन में ट्वीट करने पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला लिया है। वैसे आप महाराष्ट्र में किसके समर्थन में हैं? शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी या फिर भारतीय जनता पार्टी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।